गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे यूनिट 9 का नेक्स्ट टॉपिक 1.4 ग्रांटिंग एंड रिवॉकिंग प्रिविलेज एंड रोल्स के बारे में, जिसका कोड है 1618403। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। एसक्यूएल ग्रांट रिवॉक कमांड्स डीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू इनफोर्स डेटाबेस सिक्योरिटी इन ए मल्टीपल यूजर डेटाबेस इन्वायरमेंट। टू टाइप्स ऑफ डीसीएल कमांड्स आर ग्रांट एंड रिवॉक। टू टाइप्स के होते हैं ग्रांट एंड रिवॉक। ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और ऑनर्स ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन प्रोवाइड रिवॉक प्रिविलेज ऑन ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मीन्स कहने का मतलब ये है, कोई भी यूजर प्रिविलेज ग्रांट कर सकता है या प्रिविलेज रिमूव कर सकता है। जैसे किसी को हम प्रिविलेज देते हैं तो उसे प्रिविलेज हम वापस भी ले सकते हैं, या तो सर्टेन प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो प्रिविलेज दिए हैं उसे वापस ले सकते हैं। इसका फीचर क्या है बताते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बन जाओ, ठीक है। तुम्हारे मैनेजर ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं कि उसके प्रिविलेज अगर हम तुमको देते हैं, देना है, फिर एक क्यूरी हर एक में फायर नहीं कर सकते ना कि क्या बैठोगे इस मैनेजर को वहां वाला दे दे मतलब तुम्हारे प्रिविलेज। तो ये सारा प्रिविलेज हम उनको प्रिविलेज प्रोवाइड करा सकते हैं मैनेजर एक ग्रुप बना करके। और जैसे ग्रांट डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता क्या है इसमें, जैसे ग्रांट इसमें दो टाइप के मैंने बताया ना, ग्रांट एंड रिवॉक। ग्रांट में टेबल रिलेशन व्यू सेलेक्ट क्रिएट व्यू अल्टर ये सब क्या होते हैं, ग्रांट में आते हैं। प्रिविलेज अगर हम देते हैं अगर ग्रुप को, अगर उसका काम हो जाता है तो उसे हम वापस ले लेते हैं। रिवॉक में क्या होगा, रिवॉक में होता है आपका जो राइट्स हमने दिए हैं उसे वापस ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट आता है कि एसक्यूएल ग्रांट कमांड। जो कमांड है जैसे मैंने अभी, कमांड क्या हो सकता है, टेबल व्यू सेलेक्ट रिव्यू क्रिएट अल्टर ये सब क्या है, प्रिविलेज का कमांड है ना। तो कुछ सिंटेक्स ग्रांट मैंने बताया है, ग्रांट प्रिविलेज नेम नेम हो गया, ऑन ऑब्जेक्ट नेम हो गया यहाँ पर, फिर टू यूजर नेम हो गया, पब्लिक रोल नेम विथ ग्रांट ऑप्शन। ये सारा जो चीज है एक प्रिविलेज के, फिर प्रिविलेज नेम इज द यूजर राइट ऑफ द प्रिविलेज ग्रांट टू द यूजर सम ऑफ द एक्सेस राइट आर ऑल एग्जीक्यूट एंड सेलेक्ट। अभी मैंने बताया जैसे आपको सेलेक्ट प्रिविलेज में क्या क्या होता है, नेम है ना, इज द एक्सेस, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिविलेज ग्रांट टू द यूजर्स सम ऑफ द एसेस राइट ऑल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज जो प्रिविलेज होता है, सेलेक्ट क्रिएट व्यू अल्टर ये प्रिविलेज के होता है कमांड। ऑब्जेक्ट नेम क्या हो सकता है इसमें, इज द नेम ऑफ एन डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, टेबल हो सकता है जैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू करते हैं, स्टोर प्रोग्राम एंड सीक्वेंस। यूजर नेम क्या क्या हो सकता है, यूजर नेम हम लोग पिछले टेबल में ही बताए थे कि कैसे क्रिएट करते हैं, इज द नेम ऑफ द यूजर होम एंड एसेस राइट इज द बीइंग ग्रांटेड, ठीक है। पब्लिक इज यूज टू ग्रांट एसेस राइट टू ऑल यूजर्स, रोल्स कैसे बनाते हैं, आर ए सेट ऑफ द प्रिविलेज ग्रुप टूगेदर, जैसे ग्रुप वाइज मैंने एक ग्रुप बना लिया। बहुत सारे ऐसा होता है कि
मैंने बताया कि तुम्हारे मैनेजर ग्रुप हैं एक सपोज, और पार्टिकुलर सेटअप एक बन गया, एक मैनेजर ग्रुप बन गया था, उसके प्रिविलेज देना है हमको, तो फिर एक एक क्यूरी हम नहीं ने कर सकते हैं, तब से फायर नहीं करके रखेंगे, नहीं तो इस मैनेजर वाले ग्रुप को हम एक एक प्रिविलेज सबको प्रोवाइड करा देंगे, और इसके सारे प्रिविलेज प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसे करके हम, वही बात इसने कहा है। और फिर नेक्स्ट में आते हैं हम विथ ग्रांट ऑप्शन, अलाउज यूजर टू ग्रांट एसेस राइट टू अदर यूजर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट सेलेक्ट ऑन इम्प्लाई टू यूजर दिस कमांड ग्रांट ए सेलेक्ट परमिशन ऑन इम्प्लाई टेबल यूजर, यू शुड विद द यूजर ग्रांट सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन इम्प्लाई टेबल टू यूजर यूजिंग द विद द ग्रांट ऑप्शन, देन यूजर कैन ग्रांट, अभी मैंने बताया वही बात यहाँ पर भी रिपीट एग्जाम्पल में किया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे रिवोक कमांड क्या क्या हो सकता है इसमें, रिवोक कमांड में क्या क्या आता है। जैसे अभी बताया कि जो आपने राइट तुमने दिए है उसे हम लोग, जैसे हमने कोई भी डेटाबेस रिलेशन टेबल व्यू ये सारा जो हमने ग्रांट्स उसके अंदर रिवोक प्रिविलेज नेम नेम होता है उसमें, ऑन ऑब्जेक्ट नेम होता है, फ्रॉम यूजर नेम पब्लिक, ये सारा रोल नेम जो है ये रिवोक कमांड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल के रिवोक सेलेक्ट ऑन ए एम्प्लॉय फ्रॉम यूजर दिस कमांड विल द रिवोक सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम यूजर व्हेन यू रिवोक सेलेक्ट, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये सारा देने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्रिविलेज ऑन ए टेबल फ्रॉम ए यूजर, द यूजर विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट टेबल एनी मोर, हाउएवर इफ द यूजर हैज रिसीव, वो उसी का पार्ट है ये प्रिविलेज एंड रोल्स, मैं रोल्स कैसे बनाते हैं, प्रिविलेज एंड रोल्स क्या क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रिविलेज एंड रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैनेजर ग्रुप बनाते हैं उसमें सारा चीज हम यूजर प्रोवाइड, यूजर को एक एक प्रिविलेज हम दे देते हैं जिससे वो हमारा आसानी से हो जाता है जो काम करना होता है। प्रिविलेज डिफाइंस द एक्सेस राइट प्रोवाइड टू द यूजर ऑन ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रिविलेज, प्रिविलेज कौन कौन सा टाइप, सिस्टम प्रिविलेज होता है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है, ये टू टाइप्स के प्रिविलेज है हमारा। सिस्टम प्रिविलेज में क्या है मैंने डिफिनेशन के तौर पे भी बता दिया, दिस अलाउ द यूजर टू क्रिएट अल्टर ऑन ए ड्रॉप डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं बनाते हैं और ये उसके अंदर ये सारा चीज हमारा सिस्टम प्रिविलेज आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज क्या होता है, दिस अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट, जब अलाउ करेगा तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट हम उसको दे सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, एक सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रिविलेज तब अप्लाई हम कर सकते हैं, ये सारा चीज हमारा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के अंदर आता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि टू टाइप्स का है, सिस्टम प्रिविलेज एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ये हम रिमेम्बर रखेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट इंसर्ट वही बात इसने भी यहाँ बताया है, एक टेबल के तौर में व्यू क्रिएट सिस्टम प्रिविलेज आर लिस्टेड बिलो, एक लिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है सिस्टम प्रिविलेज, यहाँ हुआ डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। सिस्टम प्रिविलेज ग्रांट क्रिएट ऑब्जेक्ट अलाउ यूजर टू क्रिएट द स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट इन देयर ऑनर स्कीमा, ये सारा चीज मैंने एक रोल्स भी बनाया है, रोल्स आर द कलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज और एसेस राइट व्हेन देयर आर मेनी यूजर्स इन द डेटाबेस, जो मैंने भी ग्रुप बनाने के लिए बात जो कही थी वो वहां पर ये बात यहाँ जिक्र कर रहा है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज टू यूजर्स, देयर फोर इफ यू डिफाइन रोल्स यू कैन ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज,
ठीक है, यू कैन आइदर क्रिएट रोल्स और यूज द सिस्टम रोल्स प्री डिफाइंड बाई ऑरिकल। ठीक है, ये सारा रोल्स के अंदर आता है जो अभी मैंने थ्योरी पढ़ा। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।